हाँ जी, मैं मधुकर आनंद पूरा जितना भोजपुरिया भाई लोग बात सबके हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं। हमारे अजहर भाई बहुत अच्छे मित्र हैं और ये फिल्म बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। काफ़ी जुझारू प्रोड्यूसर हैं ये, बहुत अच्छा काम करने के प्रति हमेशा ये एक ये रहते हैं, मतलब इच्छुक रहते हैं कि एक अच्छी काम हो। तो सब लोग मिलजुल के एक फिल्म बना रहे हैं, उसमें अतुल श्रीवास्तव जी और सुशील जी उसके दो हीरो हैं और हमारे मित्र अजय झा जी उसके डायरेक्टर हैं। बहुत अच्छी फिल्म बनने वाली है ये, इसका कहानी मैं सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं अपने व्यस्ततम शेड्यूल में हमने कहा कि आपके लिए एकदम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूंगा और बहुत बढ़िया हम लोग तैयारी करने में लगे हैं। उम्मीद है कि ये पिक्चर बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगी। इनका शेड्यूल इसी महीने के लास्ट में है संभवतः, है ना, इसी महीने के लास्ट में है या अगले महीने के फर्स्ट वीक में है। तो हम लोग बहुत ज़ोर शोर से लगे हैं, इसके मैक्सिमम गाने अभी मोटा मोटी डिज़ाइन हो रहे हैं और मेरा प्रयास है कि जैसा हम सब लोगों का हमेशा इंटरटेन करते रहे हैं उससे बढ़ चढ़ के और बढ़िया इंटरटेन करें, अच्छे गाने बने इसमें। बाकी प्रभु की इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा, लेकिन अभी तक बहुत सॉलिड काम हो रहा है, बहुत अच्छी कहानी है। मैं पूरी टीम को अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ अपने प्रोड्यूसर साहब को, जो हमने इतना अच्छा फिल्म में एक म्यूज़िक डायरेक्शन का मौका दिया। देखिए, तुझ में रब दिखता है एक बातचीत से, मतलब एक टाइटल से एक ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बेहतरीन रोमांटिक पिक्चर होगी। हालांकि इसमें रोमांस, एक्शन, कॉमेडी सब है, सब मिला जुला के एक बढ़िया मसाला पिक्चर है ये। लेकिन इसका जो रोमांटिक पक्ष है वो मजबूत होगा और गाने बहुत अच्छे होंगे, रोमांटिक गाने होंगे। हर टाइप के सॉन्ग तो होंगे ही, लेकिन रोमांटिक सॉन्ग काफ़ी अच्छे अच्छे होंगे जैसा कि टाइटल से लग रहा है और हम लोग उसी में प्रयासरत हैं। देखिए, बेसिकली मैं पहले गज़ल गाता था, ऑल इंडिया रेडियो में भी बहुत दिन तक मैं गाया। भोजपुरी में जो गाने मुझे लगता है कि मुझे गाना चाहिए, तो मैं कभी कभार ऐसा गाना बना के गा लेता हूँ, या कभी प्रोड्यूसर्स का या किसी का रिक्वेस्ट रहा कि भाई आप गाइए, तो मैं ज़रूर गाता हूँ। साल में दो चार गाने मैं ऐसा गा ही लेता हूँ अपने हिसाब से। मधुकर जी, वेलकम। बात करें कुछ पुरानी यादों की, जो पहली बार आप बॉम्बे आए थे, जी जी, पहला फिल्म आपको जो ऑफर मिला था, जी जी, बातें शेयर करना चाहेंगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार मैं मुंबई आया था, एक प्रेम सिंह जी डायरेक्टर हैं जो पिया निर्मोहिया, पिया भीले, गुलरी के पुल, ये सब पिया सीरीज बनाते थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। आज थोड़ा संन्यास ले लिए हैं डायरेक्शन से, लेकिन फिर आने वाले हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं सरकारी नौकरी में था और यहाँ उनके साथ दो तीन हिंदी फिल्में हमने की थी। इसके अलावा हमने भोजपुरी फिल्में भी एक दो की थी और धीरे धीरे वहीं से मुझे एक लगा कि मुझे मुंबई रहना चाहिए। फिर नौकरी त्याग के मैं यहाँ मुंबई आ गया आप लोगों के सेवा में। मैं वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में म्यूजिक टीचर था, संगीत शिक्षक के पद पे कार्यरत था। बॉम्बे जब पहले आ पाए तो कैसा आपको लगा? आपको लगा कि बॉम्बे जाना चाहिए, आरा छोड़ के मोहनी जगह को आरा छोड़ रहे हैं? पहले हम पोस्टेड रही जवाहर नवोदय विद्यालय गुमला में, ओकरा पहले दिल्ली भी रहल बनी, बहुत जगह हमने घूमत घामत रहे। या पिताजी भी हमारे सरकारी नौकरी में रहन, तो उनका भी जहाँ जहाँ पोस्टिंग होती थी हम लोग वहाँ वहाँ जाते थे। तो ऑलरेडी घुमक्कड़ स्वभाव के हम शुरू से ही थे, हमेशा हम लोग पलायन करते आ रहे थे। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ तो मुझे लगा कि मुंबई हमारे लिए सबसे बढ़िया सुटेबल जगह है और मुंबई में हमने अपने आप को स्थापित कर लिया। उसके लिए मुझे त्याग भी करना पड़ा, हमने सरकारी नौकरी भी छोड़ी, लेकिन वो नौकरी छोड़ने के बाद मैं उस कंडीशन से, आज का जो कंडीशन है उसमें बेहतर महसूस करता हूँ अपने आप को। और ख़ास बात ये है कि मैं पूरी पब्लिक से, पूरी जनता से जुड़ा हूँ, हर लोग मुझे लाइक करते हैं, मेरा गाना सुनते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात हमारे लिए है। तकरीबन 100 से ज़्यादा पिक्चरें हमारे रिलीज हो चुकी हैं और 7-8 साल से मैं इस इंडस्ट्री की सेवा कर रहा हूँ। अभी आने वाली 20-25 फिल्में हैं। जी जी जी, नहीं, ये मुझे लगता है ना कि ये पूरा ओपन मार्केट है। जैसे हीरो लोग अपने चेहरा पे चलते हैं, स्टार चेहरा पे, उनका फेस वैल्यू होता है,
तो हम लोगों का क्रिएशन ही हमारी वैल्यू होती है। हम लोगों का कोई फेस नहीं बिकता है, इवन कि नाम भी बहुत ज़्यादा नहीं बिकता है। जो बहुत अच्छा काम करे उसको ज़रूर मौका मिलता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप लोग चोरी ना करें किसी का धुन उठा के ये वो। हालांकि हम लोग तो फोक में हैं तो बहुत सारी परेशानियाँ मजबूरियाँ भी होती हैं कि भाई पब्लिक के हिसाब से बहुत सारे पारंपरिक धुन हैं जो कि बहुत बार आ चुके होते हैं, फिर भी मुझे बनाना पड़ता है लोग के कहने पे। तो आप कुछ फ्रेश लेके आइए और ईमानदारी, लगन, मेहनत, परिश्रम से काम कीजिए। ऐसा कभी भी ना सोचें कि यहाँ कोई और भी वे चलता है, यहाँ कोई दूसरा वे नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा रास्ता वही है कि जितना बढ़िया लगन से मेहनत कीजिए, अच्छी अच्छी धुनें बनाइए, अच्छा कंपोज कीजिए, अश्लीलता से दूर रहिए, आपको ज़रूर यहाँ मौका मिलेगा और आप बहुत आगे जाएंगे। मतलब थोड़ा बिहारी ठाकुर में चलते हैं अभी। बिहारी ठाकुर का जो गांव है, हाँ, आरा को और छपरा को जोड़ने वाले पुल का अभी निर्माण हो चुका जी, है। जी 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 11 तारीख को ओपनिंग हो रहा है। जी जी, वो 32 किलोमीटर या 35 किलोमीटर या 25 किलोमीटर ही शायद हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पहले सारे अपने आरा नगर वासियों को कि चलिए भाई, अब छपरा हम लोगों से बहुत करीब हो गया। पहले शायद 100 से अधिक था उसका दूरी, 100 किलोमीटर से अभी संभवतः 25-30 किलोमीटर के आसपास की दूरी हो जाएगी। हमारा कल्चर एक है, आरा का, छपरा का, उधर आपके सिवान का, गोपालगंज का, ये सब कल्चर एक है, लेकिन दूरी बहुत ज़्यादा थी। वही ब्रिज जो बन गया ना तो दूरी कम हो गई, और कम दूरी होने से हम लोगों का सांस्कृतिक विकास जो है और भी ज़्यादा तेज़ी से होगा। हम लोगों का हर चीज़ मिलना जुलना ये सब आसान हो गया। इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरी जनता बहुत खुश होगी, बहुत खुश है अभी भी। इस फिल्म के निर्माता अधर आदमी और फिर जो बिहार से हैं आपके, मतलब और पड़ोसी होगा, सिवान के रहने वाले हैं। जी जी, तो क्या शुभकामनाएं दीजिएगा फिल्म के हीरो को? अतुल जी बहुत बढ़िया NSD के छात्र रहे हैं और यहाँ नाटक वाटक भी बहुत किए हैं अतुल जी, और लीक से हट के एक्टिंग करने की इनकी क्षमता हमने देखी। एक आध दिन मुझे मौका मिला इनका एक्टिंग देखने का। बहुत अच्छे एक्टर हैं और इनमें बहुत संभावनाएं हैं। जैसा कि अभी तक रहा है कि सिंगर लोग हीरो रहे हैं, तो उनकी एक अपनी सीमा रही है, अपना दायरा रहा है उनका। ये मुझे लग रहा है कि पूरा हर दायरा से हट के इनका एक काफ़ी बृहद दायरा होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसा हमने इनका अभिनय देखा, एक्टिंग देखा, तो मुझे बड़ा इन पे भरोसा है, बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। जी जी, अभी एगो हमारा गाना चला था बड़ा अच्छा, पब्लिक आतंकवादी फिल्म में पब्लिक लाइक कर रही है। आई सुहाग रात जहिया, चर चर करी चर पहिया। आई सुहाग रात जहिया, चर चर करी चर पहिया। दीप देव मुचकाई करी हैया हे बालम, देव मुचकाई करी हैया हे बालम। लइहा बंगलिया से दवैया हे बालम, लइहा बंगलिया से दवैया हे बालम, लइहा बंगलिया से। अभी ये गाना बड़ा अच्छा चल रहा है, पब्लिक को अच्छा लग रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, वेलकम वेलकम।